से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, शाम 4 बजे पुणे जुवाइनल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। जुवाइनल बोर्ड इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। आरोपी के पिता पर स्याही फेंकी गई, कोर्ट में पेशी के दौरान स्याही फेंके जाने की सूचना है। तो एक बड़े बिल्डर के बेटे ने शराब के नशे में ओवर स्पीड में 2 लोगों की जान ले ली है, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आपको बताते चले कि शाम 4 बजे से लेकर पुणे जुवेनाइल बोर्ड फैसला सुनाएगा। अब देखना है कि जुवेनाइल कोर्ट की ओर से क्या फैसला था। आपको बताते चले कि इसमें नाबालिग को बालिग मानते हुए फैसला सुनाया जाता है और उसी के हिसाब से कार्रवाई भी की जाती है, उसी के हिसाब से दोषी को सजा सुनाई जाती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर से, ये तस्वीरें जहां पर कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के पिता पर स्याही फेंकी गई। तो पुणे में हुए हादसे के बाद जहां 2 परिवारों में मातम पसरा है, तो वहीं आरोपी को लगातार मिलने वाले VVIP ट्रीटमेंट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुणे में हुए हादसे की कहानी जितनी भयानक है, उससे कहीं ज्यादा भयानक है उस सिस्टम की अवभगत की कहानी जो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी को बचाने में जुट गया। खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात अजीत गुट के विधायक सुनील टिंगड़े पुणे के येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। विपक्ष का आरोप है कि विधायक सुनील टिंगड़े आरोपी को बचाने के लिए येरवाड़ा जेल पहुंचे थे। खबर तो ये भी है कि उसी दिन दोपहर में पुलिस स्टेशन में आरोपी की जमकर आवभगत की गई। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी का ऑर्डर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी के पिता ने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में पिज्जा और बिरयानी भी भिजवाई थी। सवाल तो वहां से उठने शुरू हुए जहां रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर आरोपी को जमानत दे दी गई, सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी नाबालिग है। दरअसल नाबालिग आरोपी को मिले VVIP ट्रीटमेंट की भी अपनी ही कहानी है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल नामचीन बिल्डर हैं। उनकी कुल संपत्ति 650 करोड़ की है। विशाल अग्रवाल कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना चुके हैं। वो ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन के मालिक हैं। पुणे में कई 5 सितारा होटल का निर्माण भी कर चुके हैं। विशाल अग्रवाल राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि विशाल सुरेंद्र अग्रवाल के पिता का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। यानी रसूख के आगे न सिर्फ कानून का मखौल उड़ाया गया, बल्कि उन परिवारों के जख्मों पर नमक भी छिड़का गया जिन्होंने अपनी औलादों को खो दिया है। तो पुणे कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लापरवाही की कई कहानियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस लग्जरी कार से कुचलकर अनीस और अश्विनी की मौत हुई, वो बिना रजिस्ट्रेशन के मार्च से ही सड़कों पर दौड़ रही थी। इसके अलावा इस केस में कई ऐसे पहलू भी हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि अगर लापरवाही न हुई होती तो शायद 2 परिवारों के चिराग न बुझते। रजिस्ट्रेशन की सड़क पर दौड़ रही थी कार, टेम्परेरी पासिंग पर बेंगलुरु से पुणे लाई गई थी कार। नहीं भरे गए थे पासिंग फीस के 1700 रुपए। की रात पुणे से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। इस हाई प्रोफाइल कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब इस मामले में परिवहन विभाग भी एक्शन में आ गया है। खबर है कि जिस लग्जरी कार से यह हादसा हुआ
उस कार को बेंगलुरु से टेम्परेरी पासिंग पर पुणे लाया गया था। पुणे में पासिंग फीस के लिए 1700 रुपए भरने थे, लेकिन मार्च महीने से ही पासिंग का पैसा न भरते हुए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में ई व्हीकल के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन पासिंग का पैसा नहीं भरे जाने की वजह से गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं मिली थी। रजिस्ट्रेशन करके उसका नंबर लेने की जिम्मेदारी कार मालिक की थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। यानी सड़क पर हवा से बातें करती कार नियमों को ताक पर रख कर चलाई जा रही थी। इसके अलावा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने हादसे वाली रात अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। रात 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले बार में शराब पी गई, जबकि दूसरे बार में 12:10 बजे से लेकर 1 बजे तक शराब पी गई। इस दौरान करीब 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पी गई, जिसके बाद कार को सड़क पर तूफान बना दिया गया, जिस वजह से हादसे में दो घरों के चिराग बुझ गए।